सत्र की शुरुआत 5 जुलाई 2021 एवं उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2022 से 22 सप्ताह के कार्यक्रम 132 कार्य दिवस के साथ की गई है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति का समय 2025-26 जो कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्य से 1 वर्ष पहले प्राप्त कर लेते हैं। योजना तरीके से कार्य करते हुए प्रोत्साहित किया गया प्रशिक्षक जी द्वारा भाषा सीखने के कौशल एवं भाषा के 4 खंडीय आयाम मौखिक भाषा का विकास रिकॉर्डिंग पठन एवं लेखन के साथ सम्यक स्पष्टीकरण करते हुए रिकॉर्डिंग को विधिवत समझा कर निपुण भारत के उद्देश्य पर भी चर्चा की गई। शैक्षिक गतिविधि संचालित करने हेतु तकनीकी रूप से प्रदर्शित की जाने वाली टूल सामग्री टीवी एवं अन्य विषय पत्र तथा वार्षिक साप्ताहिक दैनिक एवं सावधिक कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने हेतु ट्रैकिंग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। तत्पश्चात भोजनावकाश हो गया। द्वितीय सत्र का आरंभ भी प्रशिक्षण की व्यवस्था अनुसार पूरे मनोयोग से प्रशिक्षक श्री महेश चंद जी के द्वारा विभिन्न बिंदुओं को सामान्य ब्रीफिंग देते हुए एक रोचक गतिविधि शेर बंदूक दीवार के द्वारा आगे बढ़ाया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य सीखने सिखाने की मनोरंजक प्रस्तुति को साकार करते हुए पूरा किया जा रहा है। प्रशिक्षक महोदय द्वारा संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति को भी स्पष्ट करते हुए सप्ताह में कितनी शिक्षण योजना पर कार्य करना है, क्या गतिविधि एवं क्रियाकलाप संचालित करना है इत्यादि को चिन्हांकित करते हुए स्पष्ट किया गया। कार्यकाल विश्राम के बाद पुनः प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए वार्षिक कार्य योजना पर व्यापक चर्चा की गई। पुनः प्रशिक्षण प्रशिक्षक जी द्वारा एक अन्य गतिविधि करवाते हुए वार्षिक शिक्षण योजना जो कि 22 सप्ताह की है, किस सप्ताह में क्या शिक्षण बिंदु है, उसके लिए कार्य पुस्तिका पर कौन सा पेज निर्धारित है एवं कब कब आकलन करना है, जैसे कि भाषा हेतु 9वां एवं 18वां सप्ताह एवं गणित हेतु 11वां एवं 22वां सप्ताह निर्धारित है के बारे में बताते हुए विधिवत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। अंत में श्री संजय कुशवाहा जी द्वारा एक शॉर्ट वीडियो बनाते हुए उपस्थिति पंजिका पर सभी प्रशिक्षणार्थियों के हस्ताक्षर करने के पश्चात निर्धारित समय पर प्रथम दिवस के प्रशिक्षण समापन की घोषणा की गई। प्रशिक्षण बड़ा ही रोचक रहा। धन्यवाद। चलिए सत्र की प्रारंभ किया जाए। सत्र को सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आज तृतीय दिवस है, इसमें सबसे पहले एक गतिविधि है, क्या है, ताजा इधर से शुरुआत करें या सबसे जो कहा जाएगा शुरुआत में वही लास्ट तक पहुँचेगा, बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। काना किसी एक दूसरे के कान में धीरे से बता देना है, कोई गलत वाला भी न सुन पाए, समझ गए ना। तो हम सुशील सर से शुरू करते हैं। ये आप याद कर लीजिए, उसके बाद उनके कान में छू अंतर कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एक बात नहीं दो बार पूछ लीजिएगा, लेकिन और कोई मत सुन दो, ये इसके बारे में चलता रहेगा। आपका बन रहा है, आप करते रहिए।
सुनिए, समझ लीजिएगा।